हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। मेरे साथ रविंद्र मोहन जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, बिग बॉस के घर के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले आसिम रियाज, जिन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन दिनों उनके ऊपर प्यार का बुखार चढ़ गया है और इस प्यार के बुखार को हवा देने और आए हैं और बढ़ाने आए हैं पराग त्यागी, शेफाली जरीवाला के हस्बैंड। यहाँ पर उन्होंने आकर एक मैसेज दे दिया है हिमांशी खुराना को लेकर कि वो उनके लिए वेट कर रही हैं घर से बाहर, जिस चीज़ को लेकर अभी आसिम रियाज सातवें आसमान पर पहुँच चुके हैं। क्या कहना है? देखिए, मुझे तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है बिग बॉस की जर्नी। एग्जैक्टली अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कई सारे कपल्स दिखने लगे हैं, और जब हिमांशी घर के अंदर आएगी और जिस तरीके से पराग त्यागी ने मैसेज दिया और उसके बाद आप ब्लश करते हुए लगातार देख रहे थे आसिम को, कि आसिम किस तरीके से ब्लश कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बैठे बैठे वो जिससे भी जिक्र कर रहे थे वो जिक्र सिर्फ और सिर्फ हिमांशी का ही कर रहे थे। तो बहुत ही दिलचस्प होगा जब घर के अंदर हिमांशी आएंगी, फिर देखना होगा कि आसिम का रिएक्शन कैसा है, साथ ही घर वालों का रिएक्शन कैसा है, क्योंकि बाहर की बात एग्जैक्टली आसिम को जो उनके भाई ने नहीं बताई उससे ज़्यादा इस गेम को समझने वाली हिमांशी बताएंगी, क्योंकि वो घर में रह चुकी हैं, उन्हें पता है कि इस घर वाले कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं और पीठ पीछे चल क्या रहा है। क्योंकि आप अगर देखें तो पैरेलली आसिम की फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है ट्विटर पर। मुझे लगता है कि इस बिग बॉस की हिस्ट्री में वो इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं पूरे 13 सीजन में जो अपने नाम से लगातार ट्रेंड हुए और हर हफ्ते वो ट्रेंड हो जाते हैं और लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि इसके पहले वो लगातार झगड़े की बात चल रही थी, जब वो झगड़ा करते रहते थे तो लगातार दिखते थे, आजकल थोड़ा दिखना जरूर कम हो गया है उनका, लेकिन जब से पराग कह कर गए हैं और वो बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, उस जिस पे अब शहनाज ने बोला भी कि वो 10 साल पुराना रिश्ता कैसे, घर वाले भी लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं कि क्या हिमांशी 10 साल पुराना रिश्ता तोड़ देगी आसिम के लिए। देखना होगा कि जब हिमांशी आएंगी घर के अंदर तो वो किस तरीके का रिएक्शन देती है, क्या वो प्यार का इजहार करेंगी। मुझे उससे भी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा कि क्या आसिम पहले बढ़ के प्यार का इजहार करेंगे, क्योंकि घर के अंदर तो वो कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर हिमांशी। तो क्या जब वो मौका उनके पास मिलेगा, क्या बिग बॉस की इतिहास में एक बार फिर से ऐसा होने वाला है कि कोई यहाँ पर कपल बन जाएगा, ऑफिशियली तौर पे वो एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मेरे लिए तो ये काफ़ी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब वो किस तरीके से विजुलाइजेशन बिग बॉस ने किया होगा कि हिमांशी घर के अंदर आ रही होंगी और आसिम अपने कमरे से उन्हें देख रहे होंगे, या क्या पता वो कन्फेशन रूम की तरफ से ही बाहर निकले और वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, तब आमना सामना कैसे होता है। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जब आसिम और हिमांशी का आमना सामना होगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी हमने ये देख लिया कि आसिम के लिए हिमांशी घर में एंट्री लेने वाली हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैंस की डिमांड है ये। फैंस लगातार ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहे हैं एक के बाद एक कि हिमांशी को घर में भेजा जाए और आसिम यहाँ पर उनके लिए अब वेट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें मैसेज मिल चुका है पराग त्यागी की तरफ से। तो अब देखना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि घर में आने के बाद, क्योंकि अभी तक तो वन साइडेड लव था, अब ये दोनों साइड से आग लग चुकी है। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि घर में आने के बाद अब क्या होने वाला है। तो आप वैसे, आपको आप कितने एक्साइटेड हैं हिमांशी खुराना के एंट्री के लिए? एक बात और एड ऑन कर दूँ कि ये सब कुछ जो दिखा रहा होगा ना वो सलमान खान होंगे, क्योंकि सलमान खान जब प्यार का इजहार करने वाला वीडियो दिखाएंगे ना, तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि वो कितनी चुटकी लेते हैं इसके ऊपर, कैसे वो दिखाएंगे इसको कि देखो आसिम क्या हुआ। क्योंकि आसिम को वो घर के अंदर उनकी अंग्रेजी को लेकर और एक्सेंट के लोग लेकर सबसे ज़्यादा वो छेड़ रहे थे, और जब हिमांशी थी तब भी वो लगातार बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कोई बताए तो। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड के बारे में सलमान कैसे उसे बताते हैं कि देखो भाई घर के अंदर क्या हो रहा है। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है वीकेंड का बार। बिल्कुल, तो वैसे आप हिमांशी खुराना के री एंट्री के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका ये ट्रेन, आपकी ट्रेन जर्नी कैसी रही यहाँ तक? आउटस्टैंडिंग, पहली बार मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, मेट्रो में बैठा हूँ, आउटस्टैंडिंग। सिर्फ मैं इसका एक फीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें दरवाजे हैं, वो बाहर लटके ना कैसे? सेफ्टी रीजंस के वजह से, हवा, वो नेचुरल वाला एसी बंद कर दिया इसीलिए अंदर वाला एसी उन्होंने, तो वो फिट हो जाते हैं सब, क्योंकि ये अपेरेंटली 99% के ऊपर ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है अभी। वी हैव 16 ऑफ देम एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू डू अ लॉट मोर। फैंटास्टिक मेट्रो, बक अप इंडिया, एब्सोल्यूट मुंबई। सर, ये जो सेलिब्रिटी एक्सप्रेस है बिग बॉस में इस बार आ रही है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
देखो जितनी जल्दी मैं यहाँ पर आया हूँ, जितनी जल्दी मैं यहाँ पर आया हूँ उतनी ही जल्दी ये सीज़न ख़त्म होगा। मतलब कि चार हफ्ते में एक तो फिनाले ज़रूर आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये 3 महीने तक चलने वाला है लगातार, जैसे कि हर सीज़न चला है, और 3 महीने तक मैं इनके साथ ही हूँ। और पता नहीं किसी ने बीच में मिसकम्युनिकेशन कर दिया था एक प्रोमो देख के कि इट्स ओनली देयर फॉर 4 हफ्ते के अंदर फिनाले आएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रोमो था कि एक उसके अंदर प्रोमो के अंदर ये था कि 4 हफ्ते में एक फिनाले आएगा, उसका एक ट्विस्ट आएगा। So, 4 हफ्ते वाला चक्कर है क्या, थोड़ा सा विस्तार में? 4 हफ्ते में फिनाले तो हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट अगर मैं आपको बता सकता तो फायदा क्या है। ये बोल रहे कि आप वो पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी आपने, हाँ अभी थोड़ी है। तो एक बार क्लियर हो जाए यहाँ पर कि 29th को ये हम सब खोल देंगे, ये शो लॉन्च हो जाएगा एयर पे, और उसके बाद 1 महीने के अंदर फिनाले, और उसके बाद 2 महीने के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड टर्न्स, यानी के ऑल 15 हफ्ता कंप्लीट सीजन इज गोइंग टू बी फास्टर देन दिस ट्रेन जर्नी। So it's all about speed, it's all about Raftar this season. It's all about Raftar, it's all about... You also going in? No. It is. Salman sir, humne suna tha, you know, ye Sana pichle ek season mein thi, Sana. Yeah. Do we expect her again into the house? Don't be silly. Once in the house and out of the house will never accept her back in the house. We have other people, very good people to go into the house this time, even better than you, Sana. What about Pooja? Lekin Pooja aa sakti hai. Aa sakti hu, par main aa nahi rahi hu. Is baar to nahi aa rahi hu. Pata nahi kabhi next time. But is baar to main sabko cheer up karne aayi hu. Sabko cheer up karne aayi hu. Sabko cheer up karne aayi hai. Sabko all the best. गुड लक विश करने आई हूं। यार इतने पैसे मांगे होंगे तुमने, क्या बिग बॉस कुड नॉट अफोर्ड इट, कलर्स कुड नॉट अफोर्ड इट, ये तो मैं बोल, मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन माय एसोसिएशन हैज बीन लाइक 10 इयर्स, आपके बिना वो करेंगे नहीं ना। पर हां, तो इनका रीजन तो हम जान गए, अर्जुन बताएंगे आप क्यों नहीं घुस रहे हो सर, बाहर ज्यादा कमा जा रही है। नहीं, मैं घुस इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत डर लगता है सर मुझे, और आपके साथ खड़ा हूँ जैसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर के दर्शन हो गए मेरे ऑलरेडी। अरे जब मैं वहाँ पर मंच पे खड़ा होता हूँ ना, स्टेज पे खड़ा होता हूँ, मुझे डर लगता है। और इस बार ये सीजन 13 नहीं है, 13 क्योंकि अनलकी नंबर है, किसने दिमाग में डाला इन कलर्स वालों के 13 अनलकी नंबर, मेरा हर अच्छा काम 13 को ही हुआ है, तो इन्होंने 13 कर दिया। अब जो कंटेस्टेंट्स जाएंगे है तो सब सेलिब्रिटीज़, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टेढ़े सेलिब्रिटीज होंगे कि मुझे हैंडल करने में इस बार दिक्कत होगी। सर टेढ़े नहीं होंगे तो अंदर जाके बन जाएंगे टेढ़े सर, तो क्योंकि मालूम क्या है, क्योंकि सब लोग इतना काम करते हैं बाहर, अपना काम छोड़ के घर पे बैठते ही नहीं है, जब वर्किंग और कभी डिनर्स, कभी सोशल मीडिया, ये पोस्ट वो पोस्ट, डेट्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह। अब घर के अंदर अगर कोई भी घर के अंदर बैठे वो बोर हो ही जाता है, तब तक आप काम नहीं करो, बाहर नहीं जाओ, यू जस्ट गेट इन योर माइंड, क्या बोलते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ना फोन, ना पेपर, ना टाइम का समय, टास्क, और फिर एक ही घर के अंदर चुगलियाँ, बिचिंग वगैरह दैट। और ये होता है ना कि हमने बाहर, जैसे कि आप रहती हैं लोखंड वाला में रहती हो, अब मैंने आपसे, आपके बारे में मैंने बांद्रा में कुछ बोला, तो जब तक आपको पता चलेगा कुछ टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर जैसे आपने बोला है, फट से दूसरे कमरे में पता चल गया, तो फाइटिंग न्यूज़ जल्दी पक जाती है वहाँ पर। जी करेक्ट, तेज़ रफ्तार से। क्या बोले आप यार, रफ्तार का बहुत बड़ा फैन है मैं, रफ्तार का बहुत बड़ा, हाँ, क्योंकि ये रात रफ्तार भाई, ये सीजन जो है हमें कहा गया है कि ऑल अबाउट रफ्तार, ऑल अबाउट दी एक्सप्रेस, क्योंकि ये सेलिब्रिटी एक्सप्रेस है। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, एक ब्यूटीफुल इंसान के रूप में बुला लेता हूँ, गेस आ जाओ मेरी मीना।